बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल किचन विद हूर। मैं आप सबका बेहद खुश आमदीद है, आप सबका बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ। वीडियो को पसंद करते हैं, मुझे कमेंट्स करते हैं, जो नए आने वाले हैं उनका भी दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अपने व्यूअर्स का कीमती वक्त ना लेते हुए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आप देख रहे होंगे कि पाँव नज़र आ रही हैं, ये क्या वजह है, क्या चीज़ बनाने लगे हैं। तो व्यूअर्स, मैं आपको बताने लगी हूँ कि जो अक्सर हमारी ख़वातीन, ठीक है ना, ये देखें, पानी का काम करती हैं, ठीक है, तो पानी में या उंगलियों में फंगस हो जाता है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे मसला होता है, ठीक है ना। ये देखें पाँव में हो गया हुआ है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा इचिंग है, बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है, ठीक है ना। तो मैं इसी का आपको सलूशन बताने लगी हूँ कि मैंने जो मतलब कि यूज़ किया है, अल्लाह पाक के फज़ल करम से मुझे बहुत ज़्यादा जल्द रिलीफ मिला। बहुत सी चीज़ें मैंने, मेडिसिन वगैरह बहुत सी चीज़ें यूज़ की। पाँव को धोना मुश्किल हो गया था, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा मतलब कि हो गया था, क्योंकि मेरा ज़्यादातर, मैं ऐसे ही घर में सारा मार्बल है, तो मैं ज़्यादातर पानी धो, फर्श धोया, ये हो गया, तो पाँव ज़्यादातर पानी में रहने की वजह से ना ये हो जाता है, ठीक है ना। तो ये देखें, इतनी ज़्यादा मुझे तकलीफ़ थी ना, बहुत ही ज़्यादा, तो मैंने ख़ुद से एक चीज़ बनाई है। ये देखिए, ये कैस्टर ऑयल है। कैस्टर ऑयल में मैंने हल्दी और लहसुन, ठीक है ना, इसको मैंने मतलब कि कैस्टर ऑयल में लहसुन को जलाया और हल्दी ऐड की है, ठीक है ना। तो जब मैं इसको अब अच्छे से धो के, मैं अभी इसमें लगाने लगी थी, अच्छे से मैंने धो लेती हूँ, ठीक है, और ये जो नाहन में फंगस वगैरह कुछ भी ऐसे कोई मसला हो जाए, ठीक है, अच्छे से खुशक करके, ठीक है, तो आपने मतलब कि फिंगर्स की मतलब कि सारे अपने पाँव में ये ना मतलब कि लगाना है। अगर किसी को इसी किस्म का कोई मसला है, ठीक है, नेल में कोई दर्द हो रही है, कुछ हो रही है, ये ऑयल कैस्टर ऑयल में आपने थोड़ा सा लहसुन जला लें, 1 से 2 अदद जबे, ठीक है, और फिर बाद में आपने उसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड कर देनी है, ठीक है। तो मैंने कहा, मैं अपने व्यूअर्स के साथ जो भी कोई बात हो, अच्छी हो ना, वो एक दूसरे के साथ शेयर करनी चाहिए, बतानी चाहिए। किसी को कोई तकलीफ़ है, कोई मसला है, अगर वो हमारी इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए किसी का हल हो जाता है, तो ये भी हमारे लिए राह निजात है, ये भी सदका जा रही है। ये देखिए व्यूअर्स, ये मैं अब इसको लगाने लगी थी, ठीक है, एक दफ़ा इसे मैं थोड़े थोड़े किसी भी आप ऐसे बॉटल में डाल लें, ठीक है, तो आपने मतलब कैसे फिंगर से आपने अच्छे हल्के हाथ से मैंने धो के आई हूँ, धोए हैं, अच्छे से खुशक की हैं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 102 बार में ना ये इचिंग और ख़ारिश जो है ना मेरी बहुत ज़्यादा ख़त्म मतलब कि हो गई है। बहुत ज़्यादा मुझे ये मतलब कि मसला बन गया था, पहले फिंगर में से तो पाँव की तलवों में हो गया, ठीक है, मेडिसन लो, ट्यूब्स वगैरह लगाई, मगर नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और दूसरा बात यह है कि जो आप जूता पहनते हो ना, वो बांध कुछ देर के लिए, क्योंकि ये पाँव जो है ना ड्राइनेस मांगते हैं, ठीक है ना, तो बांध जो जूता, प्लास्टिक का जो जूता होता है ना, उसके साथ तो बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब कि ना रिज़ल्ट है, ठीक है ना। इसको आपने लगा के अच्छे से मसाज करके थोड़ी देर रहने देना, बाद में जो जूता है ना वो आपने जो है ना वो पहनना है बंद, ठीक है, जो प्लास्टिक वाला बंद होता है, थोड़ी देर के हीटअप तो लगता है, अजब सा लगता है, मगर ये है कि उसमें रिलीफ बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। तो मेरी बहनों को किसी किस्म का ये इस तरीके का कोई मसला, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, बहुत ज़्यादा, अल्हम्दुलिल्लाह 1 से 2 दफ़ा ही मैंने ये लगाया ऑयल, तो मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला, बहुत ज़्यादा। बहुत सी चीज़ें मैंने यूज़ की हैं, मगर मुझे ज़रा रिलीफ नहीं था मिल रहा, मगर इसके लगाने से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक हर किसी को बीमारी तकलीफ़ से बचाए, मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला, बहुत ज़्यादा सुकून है। तो मैंने कहा चलो मैं अपने व्यूअर्स के साथ ये वीडियो बनाती हूँ, साथ बताती हूँ कोई फंगस प्रॉब्लम या पानी वाता, यानी पंजाबी में से यही कहते हैं, उंगलियों में पानी वाता हो गया, इस तरीके का ये सिस्टम है, ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत ज़्यादा मुझे रिलीफ है। तो अगर किसी कोई इस तरह का कोई मसला है, तो ये ऑयल तैयार कर लें, कैस्टर ऑयल लेना, कैस्टर ऑयल है, ठीक है, उसमें चुटकी, जैसे ये देखिए मेरे पास इतना सा है हाफ बॉटल, तो हाफ टी स्पून से कम आपने इसमें हल्दी ऐड कर लेनी, 1 से 2 जबे लहसुन के, इसमें पहले आप जला के उसे ठंडा करके उसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दें, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला फिर और जो जूता है ना वो आपने बंद वाला इस्तेमाल करना, और पाँव को ड्राई रखें, ये आपका मसला बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो लेती हूँ आपसे इजाज़त, अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं एक अच्छी और बेहतरीन वीडियो में। अपना मेरे प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।